My dear brother and sister, you are most welcome on classes of Vidya Bharati. हम जो है पहला पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे आज. I folded the letter again. मैंने पुनः पत्र की सतह की and slipped it carefully back into its envelope. और सावधानी पूर्वक इसे वापस लिफाफे में खिसका दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जागता रहा. By morning, सुबह तक. I knew, मुझे मालूम था. What I had to do, मुझे क्या करना था. I drove into the Bridport just a few miles away. थोड़ी माइल दूरी पर मैं Bridport गाड़ी में बैठकर गया. I asked a boy walking his dog. एक लड़का जो है अपने कुत्ते को टहला रहा था. मैंने उससे पूछा. Where Copper Beach was? Copper Beach कहाँ? House number 12 turned out to be nothing but burn out shell. Turn out means ज्ञात हुआ. ज्ञात हुआ घर मकान नंबर 12 जलने के सिवाय एक कुछ नहीं है. एक बाहरी आवरण जलने के सिवाय कुछ नहीं है. द रूफ गैपिंग छत जो है ऐसे गैपिंग यानी फैली हुई है खुली हुई है. छत खुली हुई है. द विंडो बॉर्डेड और खिड़कियों पर लकड़ी फर्नीचर की पट्टे लगे हुए हैं. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया. एंड आस्क और पूछा. इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मेक पर्सन की को आई आस्क्ड. मैंने पूछा. इफ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मेक पर्सन क्या कोई व्यक्ति श्रीमती मेक पर्सन की सही स्थिति को जानता है. ओ अरे यस हाँ. सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर अपनी चप्पल पहने हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा. ही न्यू हर वेल वह उसे अच्छी तरह से जानता है. लवली ओल्ड लेडी और प्रिय वृद्ध महिला. ही टोल्ड मी ए बिट मडल हेडेड. उसने मुझे बताया एक छोटी यानी मडल हेडेड निश्चित भाव वाली. बट लेकिन हर एज यानी वृद्धावस्था में शी वाज एंटाइटल टू बी वाजंट सी कि वह इस योग्य थी. वृद्धावस्था होने के कारण वह इसके योग्य थी. वाजंट सी क्या वह नहीं थी. ए 101 ईयर ओल्ड 101 साल की उम्र. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर कि वह घर में रही होती जब वह घर में रही होगी जब इट कॉट फायर मकान में आग लगी. नो वन रियली न्यू वास्तव में कोई नहीं जानता था हाउ फायर हैड स्टार्टेड आग किस प्रकार शुरू हुई. बट लेकिन इट कुड वेल हैव बीन कैंडल हो सकता है इसका कारण मोमबत्तियाँ रही हो. शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी वह बिजली की तुलना में मोमबत्ती का प्रयोग करना ज़्यादा चाहती थी या प्रयोग करना चाहती थी. बिकॉज क्योंकि शी ऑलवेज गोट हर आउट जस्ट इन टाइम. बिकॉज शी ऑलवेज गोट हर आउट जस्ट इन टाइम कि वह टाइम समय रहते हुए घर से बाहर निकाल दी.
शी वाज इन द नर्सिंग होम, अब वह एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस व्यक्ति ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कस्बे के दूसरी ओर डॉर्चेस्टर सड़क पर बर्लिंगटन हाउस में स्थित है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, मैंने बर्लिंगटन मकान को ढूंढा। नर्सिंग होम इजीली एनफ, और वो नर्सिंग होम जो है इजीली यानी आराम से मिल गया। मैंने बर्लिंगटन में वह नर्सिंग होम जो घर था वो आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन इन द हॉलवे, और बरामदे में पेपर जो है वो लटके हुए थे। लाइटेड क्रिसमस ट्री, और प्रकाशित या जगमगाट करने वाला तो क्रिसमस का पेड़। स्टूड इन द कॉर्नर विद द लॉफ साइडेड एंगल ऑन टॉप, और ऊपर जो है कोने में एक झुका हुआ देवदूत खड़ा था। आई सेड, मैंने कहा, आई वाज फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मेक पर्सन। ठीक, तो मैं श्रीमती मेक पर्सन से मिलने के लिए आया हूँ, एक दोस्त या एक दोस्त हूँ जो उससे मिलने के लिए आया। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार लाया। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, और मैं भोजन कक्ष में से उस में से देख सकता था। वेयर एवरी वन वाज वेयरिंग पेपर, जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है पेपर को वेयरिंग पहन रहा था, नहीं हैट, पेपर का बना हुआ एक टोपी पहन रखा थी। एंड सिंगिंग, और गाने गा रहा था। द मॉटर्न हैड ए हैट ऑन टू, और मॉटर्न नाम का जो व्यक्ति था उसके भी सिर पर टोपी थी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और वह काफ़ी पर्याप्त जो है प्रसन्न दिखा या प्रसन्न लगा, मुझे जो है वो काफ़ी प्रसन्न लगा। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिंस पाई, उसने मुझे इसकी मांस की जो है पकौड़ी भी भेंट की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और वह गलियारे में मेरे साथ साथ पैदल चली। मिसेज मेक पर्सन इज नॉट इन विथ द अदर, श्रीमती मेक पर्सन जो है अन्य व्यक्तियों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज रादर कन्फ्यूज्ड टूडे, आज जो है एक ज़्यादा जो है वो भ्रमित थी। सो इसलिए वी थॉट, हमने सोचा, इट बेस्ट, ज़्यादा अच्छा ये होगा इफ़ अगर शी हैड ए गुड रेस्ट, अगर उसको आराम मिल जाता, ज़्यादा अच्छा होता कि उसको आराम मिल जाता।